मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और इस विषय के बारे में हम मसीही भाई बहनों को जानना बहुत ही आवश्यक है। और विषय यह है कि क्या हम मसीही भाई बहन होली का त्यौहार मना सकते हैं? क्या मसीही भाई बहन रंग खेल सकते हैं? क्या उनमें शामिल हो सकते हैं? मेरे प्रियो, मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों का मैसेज आया और फ़ोन कॉल्स भी आए कि क्या हम मसीही भाई बहन होली का त्यौहार मना सकते हैं, और ख़ासकर वे लोग जो अभी अभी प्रभु को जानते हैं और अभी अभी प्रभु में आए हैं। मेरे प्रियो, होली का त्यौहार भारत देश का एक प्रमुख त्यौहार है और भारत देश के हिंदू भाई बहन इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरे प्रियो, भारत का संविधान हमें हर धर्म का या किसी भी त्यौहार को मनाने का एक आज़ादी, एक छूट दिया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम मसीही भाई बहन उस त्यौहार को मना सकते हैं? हम भारत में रहते हुए क्या हम रंग खेल सकते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको प्रभु के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। प्रभु का वचन जो कि हमें मिलता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कौन हैं और क्या हैं। मेरे प्रियो, हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम क्यों उस संसार के सदृश ना बने, क्यों हम अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी को बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है, और हम जो पाप में थे, अपराध में थे, गुनाहों में थे, मुझे और आपको एक जो नया जीवन दिया वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण मुझे और आपको ये नया जीवन मिला। वचन में ऐसा लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है कि हम अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित करें। और पौलुस कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरे पद में जब हम देखते हैं तो लिखा है, इस संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, जब मैंने और आपने प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु ने हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया बल्कि हमारा जीवन परिवर्तन किया। और वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, रीति रिवाज सब कुछ बदलना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि होली त्यौहार में क्या होता है। होली त्यौहार में मूर्ति पूजा की जाती है। रंग खेलने से पहले, होली जलाने से पहले मूर्ति पर पूजा की जाती है, और जहाँ पूजा की जाती है प्रभु का वचन कहता है ये पाप है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और प्रभु परमेश्वर का आदेश है, उसकी आज्ञा है कि किसी भी देवी देवता को दंडवत नहीं करना है, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना है। मेरे प्रियो, इसी के साथ जब मैं और आप कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में देखते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चौकस रहो कि तुम्हें आहेर ना बना ले, क्योंकि जितनी भी जो रीति रिवाज है वो संसार की परंपराओं के आदि शिक्षा से है परंतु मसीह से नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है और संसार के रीति रिवाजें यानी कि संसार के परंपराओं में हमें नहीं फंसना है। आप जितने भी मसीह में नए नए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से होली के त्यौहार को ना मनाएं, क्योंकि ये पाप है। जहाँ मूर्ति पूजा है वहाँ पाप है, और जहाँ संसार का परंपरा है वो भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर की ये परंपरा नहीं है, खुदा ने ये परंपरा नहीं बनाई है।
इसीलिए हम मसीही किसी भी तरह से होली का त्यौहार ना मनाएं, क्योंकि हम संसार के जैसे नहीं हैं। अब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया मुझे और आपको संसार के कामों से छुड़ाने के लिए, और मेरा यीशु मसीह जो मेरा और आपका प्रभु है, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको पाप से बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी की। मुझे और आपको बचाने के पीछे प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही बड़ी कुर्बानी है, इसलिए उस कुर्बानी को याद करें मेरे प्रियो। हम संसार के कामों में ना फंसें, संसार के चाल चलन में ना फंसें, हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, बल्कि मेरा और आपका जो नया मन है, और नए मन के हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा भी बदलनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे प्रियो, अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अभी त्यौहार चल रहा है, प्लीज़ आप संभल कर रहिए, बच के रहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में सुरक्षित रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे मसीही नए भाई बहन हैं, जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, वो नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।